बिग बॉस 14 का पहला इम्यूनिटी टास्क निक्की तंबोली ने जीत लिया है। बीते एपिसोड में तूफानी सीनियर्स के फैसले ने निक्की तंबोली को घर का पहला कंफर्म कंटेस्टेंट बना दिया है। कंफर्म कंटेस्टेंट बनते ही निक्की तंबोली को बिग बॉस 14 के मॉल से खरीदारी करने की मौका मिला। ऐसे में निक्की तंबोली बहुत खुश नजर आई। अब निक्की तंबोली तूफानी सीनियर्स की टीम में शामिल हो गई हैं। अब निक्की तंबोली तूफानी सीनियर्स सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान के फैसलों से पहले सलाह दे सकेंगी। ये बात जानकर निक्की तंबोली खुशी का मारे झूमती नजर आई। वहीं बिग बॉस 14 के फैंस को निक्की तंबोली का जीतना रास नहीं आ रहा है। यही वजह है जो फैंस सोशल मीडिया पर निक्की तंबोली के साथ साथ तूफानी सीनियर्स को भी जमकर ट्रोल कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान ने निक्की तंबोली को जिताने के लिए भेदभाव किया है। एक यूजर ने इम्यूनिटी टास्क के बारे में बात करते हुए लिखा, सीनियर्स ने गलत फैसला लिया है। जब सीनियर्स ने टास्क सही से देखा ही नहीं तो वो किसी को गेम से बाहर कैसे कर सकते हैं। ऐसे में अगर रूबीना दिलाइक पूरे घर वालों पर पानी डालती तो क्या ये सीनियर्स सबको खेल से बाहर कर देते। निक्की तंबोली को जिताने के लिए इन सीनियर्स ने ये खेल खेला है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, सीनियर्स समझते हैं कि दर्शक अंधे हैं। इनको पता होना चाहिए कि इस शो के फैंस हर जीत को बड़ी ही बारीकी से देखते हैं। हमें पता है कि इम्यूनिटी टास्क में सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान ने भेदभाव किया है। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, किस वजह से सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान निक्की तंबोली को सपोर्ट कर रहे हैं। जनता इस सवाल का जवाब जानना चाहती है।